हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैसे चेस्ट और कपड़ों का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। जो कि आप देख रहे होंगे, ये थोबड़ा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो जाके देखिए अगर नहीं देखा है। और आज की इस वीडियो में हम निचले वाला पोर्शन पूरा कम्प्लीट करेंगे। सो आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। करते हैं नेक और चेस्ट की। अभी तक आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैं लाइट पेंसिल से पहले शेडिंग कर रहा हूँ, फिर उसको ब्लेंड करा, फिर अब मैंने डार्क पेंसिल से शेड किया, फिर मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको अपने रेफरेंस फोटो को देख के ब्लेंडिंग पे काम करना है, शेडिंग पे काम करना है, कहाँ पे चाहिए ज़्यादा, कहाँ पे चाहिए कम, ये आपके ऊपर है। और दूसरी बात, डेप्थ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है गर्दन के बीच में, तभी वो उभर के ज़्यादा आएगा। और प्लस इसमें चाहिए हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोनो इरेजर पेंसिल, और अगर आपके पास मोनो इरेजर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 3 रुपये वाला इरेजर होगा, आप उसके कॉर्नर से भी हाइलाइट आराम से क्रिएट कर सकते हो, वो इतने शार्प होते ही हैं। और उसके बाद अगर अब हम बात करें अपनी ड्राइंग में, तो देखिए मैं कैसे साइड में अब हाइलाइट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे रेफरेंस फोटो में जो थी यहाँ पे लाइट ज़्यादा थी, तो मैं इसलिए वहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ताकि वो हाइलाइट उभर कर आए। अब आपको अपनी रेफरेंस फोटो में से देखना है कि आपके हाइलाइट्स कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कहाँ पे नहीं है। अब आप देखिए अपनी ड्राइंग में कि कहाँ पर ज़्यादा हाइलाइट यूज़ होंगी। तो ऐसे ही हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे ड्राइंग को मैं बढ़ाता हूँ, अब आप भी सीखिए और ड्रॉ करते जाइए। सो आगे देखिए। सो अब बात करते हैं हम क्लोथ्स के टेक्सचर की, कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे तो सेम प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको इसमें लेयर बाय लेयर तो चलना है, लेकिन आपको पहले डार्क, जो डार्क जगह है उसको क्रिएट कर दो, फिर उसके इर्द गिर्द आप ब्लेंडिंग भी मार दोगे तो भी वो वैसे ही टेक्सचर ले ही लेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पे डेप्थ है, वो आराम से करना, ध्यान से करना, क्योंकि वो अगर एक बार डेप्थ आपने बना दी ना तो वो मिटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से। सो अभी एंड रिजल्ट तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आपको लास्ट वीडियो दिखाऊंगा बाद में, अगली वीडियो आएगी तब तक आप ये देख लीजिए कि ये कैसा बना है। Picture.
अभी बाकी है मेरे दोस्त।